हाय ब्रोज, आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ब्रोज, आज का जो वीडियो है हम बनाएंगे, इट्स अ वेरी सिंपल वन, बट कभी कभी क्या होता है हमारे बाइक में पंक्चर हो जाता है और हम जान नहीं पाते कि कहाँ से हवा लीक करें, एक माइनर सा। तो मैं ये चीज़, ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है जो मैंने कहा, और ये इसमें क्या है, नॉर्मल सर्फ का पाउडर है, ठीक है, सर्फ का लिक्विड है, थोड़ा सा पानी, सर्फ का लिक्विड, एंड दिस मेक्स इट वेरी ईजी। क्योंकि पिछले 2 वीक्स पहले एक माइनर सा पंक्चर था, मैं मग से नॉर्मल पानी मारा था टायर घुमा घुमा के, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैक। उससे पता ही नहीं चल रहा था, दिखा कि एज इफ देर इज़ नो लीकेज। फिर मैंने पंक्चर वालों का टेक्निक अपनाया जो कि है सर्फ वाला पानी। अब मैं डिफरेंस दिखाता हूँ सर्फ वाले पानी से, माइनर छोटा सा भी एयर लीक कैसे पकड़ा जाता है, एंड देन विल फिक्स इट, पंक्चर रिपेयर भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे हम स्प्रे करते हैं, यहाँ से दिख रहा है कि एक छोटा सा पंक्चर है और ये कैसे हवा लीक कर रहा है, तो यहाँ बबल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एक ये मार्क हो गया। अभी हम लोग पूरा टायर थरोली चेक करेंगे फॉर मोर पंक्चर्स। वैसे ये टायर 35,000 किलोमीटर पुराना हो गया और स्टिल लाइफ बचा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो प्लीज़ जान लो कि ऐसा नहीं होता कि 20,000 11,000 में चेंज करना ज़रूरी होता है, 20,000 में, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जब तक सही लगे टायर, बट डोंट ओवर डू इट। टायर जानने का ख़राब हुआ कि नहीं, एक और तरीका है, यू विल सी दीज 3 डॉटेड लाइन्स हियर, ऐसे 3 लाइन्स रहता है। तो ये ग्रूव जब बहुत डीप रहता है, वो 3 लाइन अंदर रहता है, तुम्हारा फिंगर ऐसे अंदर घुसेगा, इतना देख रहे हो यहाँ कितना वो है, थोड़ा डीप है, यहाँ थोड़ा सा बाहर आ गया वो 3 लाइन। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द सरफेस, इट्स टाइम टू चेंज, एटलीस्ट फॉर अस, हम कम्यूट करते हैं, सो वी डोंट नीड एनी ट्रैक स्पेसिफिक रूल्स टू फॉलो। हमारा जैसे तैसे थोड़ा चल जाए बस, दैट्स इट, हम पूरा इकोनॉमिक पे चलते हैं। एक ही पंक्चर है गाड़ी में, क्योंकि हर 2-3 दिन में 40 से ओके, सो दिस इज द पंक्चर, डू यू सी हाउ इट्स ओजिंग आउट, सो विल फिक्स इट। तो अभी हमको पता चल गया जब पंक्चर यहाँ पे है, हम यहाँ पे इसको पुश करेंगे, डन, कंप्लीटली पुश के अभी हम उसमें ये स्ट्रिप लगाएंगे। ये घुसाना बड़ा मुश्किल वाला काम है, ऐसे करके सील कर देता हूँ। ये सारा मैं एक जगह रखता हूँ पंक्चर किट कंप्लीटली, और बैग में रखता हूँ, और मैं बैग में रखता हूँ ये, ठीक है, ये एक वो है जो बैटरी से कनेक्ट होता है, और इसका सिगरेट लाइट चार्जर भी आता है। फ्रेंड्स, सो होप यू लाइक दिस पंक्चर वाला वीडियो, एंड इसमें कुछ था नहीं, बट मैं बता रहा था कि कैसे पंक्चर डिटेक्ट कर सकते हो यूजिंग अ सिंपल टेक्निक जो कि है सर्फ वाला पानी। मैं नॉर्मल पानी में मारता था, वो नहीं आता था, और कुछ वीडियो मिल नहीं रहा है तो क्या करें, यही सब बनाना पड़ रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी किसी की हेल्प करेगा। सो ये तुम घर में बना सकते हो DIY, देखा हमने 2 मिनट में पंक्चर का पता किया और 2 मिनट में पंक्चर बना दिया, और उसके सामने करोगे ना तो बोलेगा मैं हवा भी नहीं भरूंगा। साइकिल का दुकान से भी, हाँ, कहीं से भी हवा भरवा सकते हो, बट ये सिर्फ ये एक चीज़ करने के लिए 80 से 100 रुपये लेते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हो चुटकी बजा के। ऑलराइट फ्रेंड्स, डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, एंड होप यू एटलीस्ट गेट अ लिटिल बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, एंड यू हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।